गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज अब सिक्स। सो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो सीटेट का रिजल्ट है वो आ चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अब आप लोगों को बता दूं, कई सारे बच्चे हैं जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो उन लोगों को बता दूं, और जो है लोग एग्जाम क्लियर कर चुके हैं उन लोगों को भी बता दूं। दोस्तों मैंने एक ट्रिक यहां पर एक फाइंड आउट की है, आप लोगों को बिल्कुल भी किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि आप लोग पास हुए हो या नहीं हुए। और आपके कम नंबर आए हैं या ज्यादा नंबर आए हैं, वो सारी चीजों की मैंने आप लोगों को बता दूं, एक ट्रिक तैयार करी है जिससे आप लोगों को किसी को भी आसानी से यहाँ पर किसी को भी सरप्राइज कर सकते हो कि आप लोगों के इतने ज्यादा नंबर कैसे आए। तो आप लोगों को बता दूं, ये एक बहुत ज्यादा ट्रिक मैंने बनाई है, बारे में आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुना। सो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये ट्रिक कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये मेरा जो सीटेट का एडमिट कार्ड है, ये जो मेरे नंबर है, ये नंबर मेरे जेन्युइन नंबर है। ट्रिक के थ्रू मैंने जो अपने नंबर बढ़ाए हैं वो नंबर आप लोग देख सकते हो, ये वही नंबर है। और आप लोग मेरा रो नंबर भी मैच कर सकते हो और सारी चीज़ें भी मैच कर सकते हो, बढ़ा लिए सारी परसेंटेज, सारे आउट ऑफ मार्क्स जितने सेक्शनल मार्क्स मैंने सभी बढ़ा लिए हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो इतने सारे ये मार्क्स आए। तो अभी ये मैंने बढ़ाई किस तरीके से, अब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। ओके गाइस, तो अब आप लोगों को बता दूँ आप ये जो मार्क्स हैं वो मैंने किस तरीके से बढ़ाए हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो वेबसाइट है सीटेट की, आप लोगों को उस पर आ जाना है, जहाँ पर आप लोगों को अपना रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर रोल नंबर डालने के बाद सबमिट करना है, एंड सबमिट करने के बाद आप लोग का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं, अब आप लोगों को जो रोल, आप लोगों को जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो मार्क्स बढ़ाना बहुत ही आसान है, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के पास पीसी है तो आप लोग ये काम बहुत ज़्यादा ईजिली कर सकते हो। इस काम को करने के लिए आप लोग को कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, बस एक इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है उसे आप लोग को यूज करना है। आप लोगों को बता दूं किस तरीके से मैंने जो मार्क्स है वो यहाँ पर बढ़ाए हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने मैथमेटिक्स में जो मार्क्स बढ़ाए हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 25 मेरे मार्क्स हैं, बट एक्चुअली मेरे 23 मार्क्स आए, तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर एक्स्ट्रा किस तरीके से बढ़ाए। तो अब आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है अपने आप लोगों के रिजल्ट पर, फिर आप लोगों को ये जो 23 है आप लोगों को ये सिलेक्ट कर लेना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर राइट क्लिक प्रेस करना है, फिर आप लोगों को नीचे आना है इंस्पेक्ट एलिमेंट में। यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो आप लोग का जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये 23 एंड NBSP आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोग को डबल टैप करना है, डबल टैप करने के बाद आप लोग देख रहे हो 23 out of 30। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर जो मार्क्स है वो आप लोग बढ़ा सकते हो। अभी मैं यहाँ पर इसे 25 कर देता हूँ। तो अभी आप लोग जादू देखना, आप लोग यहाँ पर देखना, देखना आप लोग इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर इस यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पर 23 थे और यहाँ पर अभी 25 हो चुके हैं। एंड आप लोग बता दूं, अगर आप लोग इसी तरीके से यहाँ पर जो लैंग्वेज वन है उसमें मेरे 18 मार्क्स हैं, एंड यहाँ पर मैंने यहाँ पर इन्हें 25 कर लिया। तो अब ये मैंने किस तरीके से किया, सेम उसी तरीके से किया जैसे मैंने यहाँ पर अभी जो मार्क्स हैं वो बढ़ाए। तो लैंग्वेज वन में मैंने यहाँ पर 18 मार्क्स थे, तो मैंने यहाँ पर सिंपली से इसे सेलेक्ट किया, एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट में आने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है 18 out of 30। तो मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ 25। जैसे मैं यहाँ पर 25 एंटर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखिए 18 की जगह पर यहाँ पर 25 हो चुका है। एंड ऐसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ 16। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर जो मेरे एक्चुअली मार्क्स थे वो 16 थे, बट मैंने यहाँ पर इसे 20 कर लिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मार्क्स है 16, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट में आने के बाद यहाँ पर 16 को डबल टैप करता हूँ यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पर जो 16 है उसे मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ। करने के बाद 20 करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करता हूँ, एंड आप लोग देख सकते हो मेरे जो मार्क्स है वो 20 हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर जो मेरे 102 out of 150 है, तो मुझे यहाँ पर इसे भी सेटल करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फेक ना लगे, काफ़ी ज़्यादा रियल लगे। तो मुझे यहाँ पर 115 करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन मार्क्स को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर 115 नंबर देखने को मिलते हैं। अभी आप 102 देख रहे हो, अभी यहाँ पर 115 मार्क्स हो चुके हैं। अभी यहाँ पर जो मेरा ग्रॉस जो परसेंटेज है वो भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 076 जो मेरा परसेंटेज बना है जो फेक है, मेरा जो रियल परसेंटेज है वो है 0.68%। तो मुझे यहाँ पर जो परसेंटेज है वो भी चेंज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप लोग परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो बाई कैलकुलेशन। तो मेरे यहाँ पर 0.76 यहाँ पर करने, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये जो परसेंटेज है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से, एंड डबल क्लिक, एंड यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में आना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में आने के बाद मुझे यहाँ पर दिख जाएगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 68, तो मुझे यहाँ पर 76 करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 76 कर दिया, एंड आप लोग देख सकते हो बूम जादू, आप लोग को 76 मार्क्स परसेंटेज देखने को मिले, यहीं पर 76 मैंने किया है। तो इसी तरीके से अब जो मेरे मार्क्स हैं वो यहाँ पर बढ़ चुके हैं, बट आप लोग बता दूं ये एक्चुअली में जो मार्क्सशीट है वो उसमें नहीं आएंगे, ये सिर्फ आप लोग को एक जो ये सिर्फ आप लोग का जो वेब पेज है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, चेंज मॉडिफाई कर दिया आप लोगों ने उसमें, तो एकदम ये एडिट कर दिया आप लोगों ने रिजल्ट। अब आप लोग को कोई भी शर्मिंदा या आप लोग को कोई भी ऐसा फील नहीं होगा कि मेरे कम मार्क्स आए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। किसी को अपने फ्रेंड्स को बताने में आप लोग इसे आसानी से यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, या आप लोग इसे स्क्रीनशॉट, या फिर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग किसी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड जब भी आप लोग इसे यहाँ पर प्रिंट आउट कराओगे तो आप लोग को जो फेक मार्क्स हैं आपने जो बनाए हैं वो सारे के सारे मार्क्स आप लोग के इजिली प्रिंट हो जाएंगे, जैसे आप लोग का जेन्युइन मार्क्स भी आप लोग का प्रिंट होता है, उसी तरीके से आप लोग का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आप लोग इसे सेव कर सकते हो एज अ PDF, या फिर आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो आसानी से। सो दोस्तों यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने फ्रेंड्स को आसानी से ये सारी चीज़ें भेज सकते हो, उसे भी चौंका सकते हो कि तेरे इतने मार्क्स कैसे आ गए और तू पास कैसे हो गया। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी
जो मार्क्स से रिलेटेड है वो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटे का बटन आएगा उसे भी दबा देना। सो गाइस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइस इंस्पेक्ट एलिमेंट का आप लोग ध्यान रखें, किस तरीके से मैंने बताया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखें तभी आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। Fearless.